जिहड़े उम्मीदवार बीएड विच पंजाब विच वख-वख कॉलेजां विच एडमिशन लेना चाहुंदे ने, प्रोसीजर शुरू हो चुका है, पता लग गया है, लेकिन एक क्वेश्चन है कि कदों फॉर्म फिल करन दी डेट शुरू होएगी और कदों लास्ट डेट होएगी और एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट कदों कंडक्ट किया जाएगा। सो इस दे रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिती है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी नू, ए न्यूज़पेपर दी प्रिंट भी तुसी देख सकते हो, तो बीएड दी काउंसलिंग प्रोसीजर दे कोऑर्डिनेट होणगे डॉक्टर अमित कौर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर एजुकेशन डिपार्टमेंट दे हैड। ते इना वल्लों हजे तक दो डेट्स अनाउंस कीतियां गईयां हन, हुण उस दे आधार ते ये जाणिया जा सकता है कि कदों लास्ट डेट फॉर्म दी होएगी और कदों एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। इन्हां ने दो डेट्स केड़ियां दित्तियां ने, एक तां है फर्स्ट 2023 में लिखा है, 22 लिखा है, पोर्टल ओपन कदों होएगा, नंबर एक पोर्टल ओपन ऑनलाइन इन्होंने क्या है 9 जून नू हो जाएगा, और दूसरा दस्या है कि मैंडेटरी परफॉर्मा फिल करना है उसकी लास्ट डेट की होएगी, उसकी डेट 19 जून होएगी। ये जान लेना जरूरी है कि पोर्टल ओपन होंदा है तो विद्यार्थियों कैंडिडेट्स नू इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। मैंडेटरी परफॉर्मा की लास्ट डेट आई है, इसका संबंध कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन नाल है, बीएड कॉलेजेस नाल है, ये उन्हां दा रोल है, तुहाडा इहदे विच कोई काम नहीं है। मैंडेटरी परफॉर्मा अजिहा परफॉर्मा है जिहदे विच हर कॉलेज ने अपने टीचर्स की लिस्ट, उन्होंने की सबजैक्ट्स ने, किन्ने अपरूव्ड टीचर ने, परमानेंट टीचर्स ने, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स किन्नियां ने, कॉम्बीनेशनस की है, उस दी प्रवानगी पूरी फिल करके संबंधित यूनिवर्सिटी, जिवें 3 यूनिवर्सिटीज़ है गुरु नानक देव, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ते पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जिस नाल एफिलेटेड वो कॉलेज है उस नूं परफॉर्मा उन्हां दे डीन तो साइन करवा के उस तो बाद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी नूं जमा होएगा। सो ये इन्फॉर्मेशन इस तरह 19 तक कलैक्ट हो जाएगी, इहदे विच तुहाडा रोल बेशक नहीं है पर यह हो तुहाडे लई ही रहा है। कारण यह है कि जिहड़ी इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी परफॉर्मा विच आएगी फिर इसे पोर्टल से डिस्प्ले कर दी जाएगी, तुसी ये जान सकोगे कि जिहड़े जिवें मैं कॉलेजेस की लिस्ट पिछे दित्ती सी, जिहड़े कॉलेज विच तुसी एडमिशन लेना चाहुंदे हन, 1, 2, 3, 4 प्रेफरेंस बनाई हुई है, उन्हां विच तुहाडा कॉम्बीनेशन अकॉर्डिंग टू NCTE रूल पंजाब गवर्नमेंट और एफिलेटिंग बॉडी जिहड़ी यूनिवर्सिटी है उहदे मुताबक है जां नहीं है, फिर तुसी इस मैंडेटरी परफॉर्मे दी इन्फॉर्मेशन नू सीधा देख सकोगे अपने कॉम्बीनेशन और कॉलेज और नंबर ऑफ सीट्स और अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी के मुताबिक कितनियां सीट्स अवेलेबल हैं ये देख सकते हो। ये हेल्प करेगी तुहाडी कि तुसी एंट्रेंस टेस्ट विच कितनी मेहनत करनी है ताजो अपने प्रेफर्ड सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन, ये सब तो ज़्यादा जरूरी है, मैं दोबारा कहना प्रेफर्ड सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन, पैडागोजिकल सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन, और दूसरा कॉलेज विच एडमिशन लै सको, तीसरा घट फीस विच लै सको, गवर्नमेंट कॉलेज विच लै सको, ये जानकारी तुहाडे लई जरूरी होएगी तां जो तुसी एंट्रेंस टेस्ट विच उस अकॉर्डिंगली मेहनत ते मार्क्स हासिल कर सको। हुण साडे को इस वेले डाटा है कि ऑनलाइन एडवरटाइजमेंट पिछली बार कदों आई सी, 25 मई नूं आई सी, ठीक, ते लास्ट डेट फॉर्म फिल करन दी की दित्ती गई सी, ये सब तो ज़्यादा जरूरी है, 28 जून दित्ती गई सी, उदों तक एग्जाम पिछली बार चलते सी ग्रेजुएशन फाइनल दे, इस करके ए डेट एक्सटेंड की गई 17 दिन लई, लगभग 15 जुलाई हाँ इसकी डेट कर दी गई सी लास्ट बार फॉर्म फिलिंग दी, और एंट्रेंस टेस्ट 31 जुलाई नूं होया सी। हुण इस दे पैरलर ही जे देखिए ऑनलाइन एडवरटाइजमेंट ऑन दी 19 जून ज 9 जून तो पहला तो कुछ नहीं हो सकता, तो इतने मई नूं पहला एडवरटाइजमेंट आ चुकी सी, इट मीनस थोड़ा डिले चलिया जा रहा है, पर यह डिले कवर हो जाएगा जदों के फॉर्म फिलिंग ते एंट्रेंस टेस्ट दे विचकार जे गैप कट हो जाए। हुण प्रोबेबली लास्ट डेट फॉर्म फिल करन दी जे मन्नी जाए 19 जून तो लगभग 1 महीना लग जाता है, लगभग 4 हफ्ते का समा लग जाता है। सो असी मन के चलते हाँ पिछली बार वांगू 15 जुलाई के करीब ही लास्ट डेट होएगी, ये हो सकता है 10 जुलाई हो जाए, 10 तो 20 जुलाई के विचकार लास्ट डेट फॉर्म फिल करन दी हो जाएगी, जेकर अकॉर्डिंगली वो नॉर्मल हालात रहे और ग्रेजुएशन दे जिहड़े रिजल्ट ज़्यादा लेट ना होए, जे लेट हुंदे भी है तां भी ये डेट बहुत ही पिछे नहीं जाएगी, क्योंकि उन्हां विद्यार्थियों नूं कह दिता गया है जिहड़े एग्जाम दे रहे हैं ग्रेजुएशन फाइनल जां एमए फाइनल दे, वो इस टेस्ट विच अपीयर हो सकते हैं।
लास्ट डेट तो 10 दिन बाद लगभग या 15 दिन बाद तक एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। सो 25 तो 31 जुलाई तक दे विचकार 25 तो 31 जुलाई दे विचकार एग्जाम ले लिया जाएगा, एंट्रेंस टेस्ट ले लिया जाएगा। सो मेरे ख्याल विच तुहाडी तैयारी लई जिन्ना समा बचदा है तुसी देख सकते हो अज दे दिन तो तुसी लगभग लास्ट वीक ऑफ जुलाई दे विच एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। इस तो इलावा मेरे ख्याल च जद पोर्टल ओपन होएगा प्रोस्पेक्टस आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन बेसिक आ जाएगी। सो उदो ये इन्फॉर्मेशन तो बाद वैलिड इन्फॉर्मेशन तुहानू एग्जैक्ट उदो मिल जाएगी, लेकिन इस तो अगे पिछे ज़्यादा होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि हर बार इस तरह ही प्रोसीजर जिहड़ा है इन्हां डेट वाइज ही चलता है। ये प्रोबेबिलिटी है कि हालात जे ग्रैजुएशन दे रिजल्ट लेट होंदे हन तां शायद थोड़ी प्रोबेबिलिटी लेट हो जाए डेट दी, पर दूसरा ऑप्शन मैं दस्या सी कि जेकर अजिहा ना होया कि रिजल्ट लेट होंदे होए तां दूसरी ऑप्शन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ये ऑप्ट कर सकती है कि पिछले 5 सेमेस्टर दे मार्क्स ऐड करके 50% जनरल कैटेगरी जां जो भी एलिजिबिलिटी बनती है 45 रिजर्व कैटेगरी दी उन्ने मार्क्स बनते होंगे तो उसनों प्रोसीजर विच शामिल करके एडमिशन दे दी जाएगी। हाँ, पर लास्ट पूरा रिजल्ट वेरीफाई जरूर होएगा, लास्ट पहली काउंसलिंग दे एंड तक या दूसरी काउंसलिंग दे एंड तक वो रिजल्ट आ जाना चाहिए है ता जो जिन्नी तुहाडी मिनिमम क्वालिफिकेशन है तुसी अचीव कर सको। सो तैयारी शुरू कर देनी चाहिए है। मैं नाल वीडियो पा रहा हाँ, जनरल नॉलेज दे वीडियो पा रहा हाँ, लगभग 10-15-20 क्वेश्चन रिलेटड प्रीवियस ईयर दे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 2022 दा लिंक नीचे आ जाएगा, वो देख सकते हो। 2022 दा जिहड़ा एंट्रेंस टेस्ट होया सी उस दे एनालिसिस वक्रे होंगे और उसनू सॉल्व करांगा हर पार्ट नू, 5 या 6 पार्ट ने जिहड़े हिंदी नू मिला के, सो उन्होंने सॉल्व करांगा। उस तो अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह का टेस्ट आएगा। नैक्सट है कि एनालिसिस करांगा कि किस तरह तुसी जे स्टडी घट कर पाए हो तो केड़ियां गलतियां पेपर सेटर करते हैं जिन्हां दे आधार पर तुसी गैस वर्क लगा सकते हो, रैशनल गैस लगा सकते हो, बिना नॉलेज दे कई बार राइट आंसर पर पहुँचा जा सकता है। अजिहियां स्ट्रैटेजीज ABCD एनालिसिस में करता हाँ, और 12 नुक्ते ने जिहड़े कि एक अच्छे टैसट देने लई जरूरी हैं जे वो तुसी जान लेंदे हो अप्लाई कर लेंदे हो घट पढ़ के भी वधिया मार्क्स ले जा सकते हैं। सो डरन की लोड़ नहीं है, अपना गोल निश्चित करो। जे गवर्नमेंट कॉलेज है कॉम्बीनेशन ऑड है नेड़े कॉलेज घट हैं तो तुहानू मेहनत ज़्यादा करनी पेगी, अदरवाइज हाँ दूसरा मैनेजमेंट कोटे तो बचना चाहते हो 20-30-40 हज़ार 50 हज़ार वाधू नहीं खर्चना चाहते तो एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर लेनी चाहिए है। ज़्यादा टेंशन लैन की कोई जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन है उसका आंसर नाल नाल दिना हाँ, बाकी कॉम्बीनेशन दे क्वेश्चन है वो भी नाल नाल जवाब तुहानू दिना हाँ। थोड़ा ये ज़्यादा जरूरी सी इसलिए इसको पहला सॉल्व करें हाँ। लर्न टू एक्चुअलाइज डॉक्टर धीरज सिंह, थैंक यू।